नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूँ कि टमाटर की पत्तियों को काटने से कितने फायदे होते हैं। तो ये सब जानकारी पाने के लिए हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहना पड़ेगा। और दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे कि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, चलते हैं, बात करते हैं टमाटर की पत्तियों के बारे में। तो दोस्तों, जो बड़े किसान लोग हैं, भारी मात्रा में किसानी टमाटर के करते हैं, वो लोग पूरी पत्तियां कहाँ तक तोड़ पाएंगे? तो सब जो छोटे किसान हैं, वो दोस्तों पत्तियों की कटिंग कर सकते हैं। हमारी पत्तियों की जो टमाटर की फसल में पत्तियों से ही सारी रोग कीट फंगस चालू होते हैं, जितनी रोग हैं। तो जिसमें संक्रमित जितने पत्तियाँ हैं उनको मैं हम निकाल देता हूँ। जब मेरा पेड़ 2 फीट के ऊपर हो जाए तो उसमें से पत्तियां, जो जितनी संक्रमित पत्तियां हैं, उन्हें मुझे निकाल देना चाहिए, जिससे कि हमारी फसल में फूल की मात्रा अधिक आएगी और जो मेरा फल है वो भी अच्छा होगा और फलों की मात्रा भी ज़्यादा मिलेगी, और जिससे हमारी धूप भी अच्छी नई पत्तियों के कारण मिलती है, वो हमारी जड़ों तक धूप मिलेगी, हवा मिलेगी, जितने हानिकारक कारक कीट हैं वो सारे हमारे पत्तियों के पीछे छुपे रहते हैं, जो दवा की स्प्रे करने पर भी वो नहीं मरते हैं, वो सारे हमारे नष्ट हो जाते हैं पत्तियों की कटिंग करने से, जिससे कि हमारी फसल अच्छी होती है, उपज भी अच्छी मिलती है। जब ये सारी चीज़ें अगर हमारी फसल में कोई दिक्कत नहीं है तो हम टमाटर के आसपास थोड़ी सी पत्तियां छोड़ देते हैं, जिससे हमारा फल भी अच्छा रहेगा। और जितनी हमारी संक्रमित पत्तियां हैं, इन्हें हम ब्लेड से या कैंची से या किसी वस्तु से काट कर नीचे डाल देते हैं, ताकि हमारा पौधा जो है वो सुरक्षित बना रहे और हमारी फसल में अच्छा उत्पादन हो। भयंकर बीमारी से हम भी बच सकते हैं और फसल में उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। इसमें धूप की किरणें, हवा, सारी चीज़ें हमारे पौधे को मिलती हैं बराबर, जिससे तो उपज हमें अच्छी मिलनी ही चाहिए। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद।